जो ये प्रेस गई किस बसमिल सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जो गायद यह है कि सबसे पहले मैं ब्लॉक दाली उद्यानपुर के तमाम यूथ्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ख़ास करके व करकेबा जिनको बहुत मुश्किलात गुजा कई बरसों से हो रही थी कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था उनको यहाँ से डोडा जाना पड़ा था ये इस कोर्स को मुकम्मल करने के लिए जैसे कि आपको मालूम है कि दौर हाज़िर में कंप्यूटर जिस तरह हवा पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है इस तरह आज अगर आपने ज़िंदा रहना है तो आपने यानी कि जदीद दौर में हमने हर फील्ड में आगे रहना है चाहे हमारी तालबालबा हैं या हमारे तलबा हैं तो इसके लिए मुबारकबाद तमाम तहसील भरत बगला ब्लॉक दाल उद्यानपुर को एन सी पी एल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया नाइलट की तरफ से यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला गया और इसकी इनाग्रेशन की गई आज जो इस आ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन जो मुद्दा है वो आज इसकी इनाग्रेशन हुई और एडमिशन्स इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं और एडमिशन जो इसकी लास्ट डेट है वो जून तीन को है तो तम जानना चाहूँगा वसीम जी क्या कुछ इसकी एडमिशन रहेगी क्या कुछ इसकी मंथली फीस रहेगी वो जानना चाहूँगा इसकी एडमिशन जो है आठ और मंथली फ़ी शायद मंथली फ़ी का अभी मुझे आ, पता नहीं है उसके लिए मैं आ, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं आ, वो उनसे पता लगेगा लेकिन फिलहाल मैं जितने भी आ, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो टेंथ के जिन्होंने टेंथ किया है वो जल्दी से अपनी एडमिशन कराएं ताकि वो इस जदीद दौर में जिस तरह हमारे शहर के बच्चे इस वक्त हर फील्ड में आगे हैं तो हम चाहते हैं कि इस यहाँ के बच्चे भी हर फील्ड में चाहे वो कंप्यूटर फील्ड हो इसके अलावा भी जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें आगे रहें शुक्रिया देखिए हाँ किफातला साहब मैं ए टी एन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम हमें कीमती टाइम दिया जो यहाँ पे ये सेंटर खोलने जा रहा है ये हमारी एक एनजीओ चल रही है उमेद दहूब इसके थ्रू हमने बहुत बार अप्लाई किया लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके इस साल हमें हम एन सी पी एल नॉल्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया क्योंकि ये सेंटर बहुत कम खुलते हैं हिंदु, पूरे हिंदुस्तान में इस बार सिर्फ फोर्टी नाइन सेंटर्स हुए और उनमें खुशकिस्मती से हमारा भी सेंटर हो गया अब चूंकि यहाँ पर थोड़ी जल्दी में हमारी एडमिशंस का टाइम कम बचा है हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ के नौजवान जितने पढ़े लिखे लोग हैं इसमें वन ईयर डिप्लोमा है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और ये जो चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो इसके लिए ये काम आएगा जो मंथली फ़ीस इसकी रहेगी वो तीन सौ रहेगी और एडमिशन फीस आठ सौ चालीस रुपये है प्रॉस्पेक्टस ये हमारे पास प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे आ चुका है कोई भी आना चाहे हमने पोस्टर्स भी लगा दिए हैं और इसके बगैर जो भी कोई आना चाहे वो हमारे साथ रहा कर सकता है हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे सुबह रोडों पर दरबदर होते हैं फिर उनको सौ से दो सौ रुपये किराया लगता है डोडा सिटी में जाने के लिए फिर वहाँ कंप्यूटर सीखते हैं तो हमने लोगों की मदद ताकि गरीब लोग जो लड़कियाँ या लड़के टेंथ पास हों उनकी मदद के लिए ताकि यहाँ पे वो अपने घर में कंप्यूटर सीख सकें आज के दौर में बग़ैर कंप्यूटर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर ही पहला ही क्वेश्चन होता है कि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है क्या आपको कंप्यूटर आता है तो मेरी गुजारिश रहेगी इन लोगों से बिला मजहब मिलत यहाँ पर जो आई ए, ए वाई के साथ लोग जुड़े हैं यानी जो गरीब लोग हैं आरफन हैं और गरीब हैं उनको हम यहाँ पर फ्री उनको सिर्फ हम एडमिशन फीस देंगे उनको कोई भी मंथली फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ही छूट है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए जहाँ तक टाइम का सवाल है कि यहाँ पे जो सेंटर्स का टाइम है गवर्नमेंट की तरफ से वो दस टू तो चार है मगर हमने यहाँ के लोग क्योंकि आप जानते हैं ये लोग गरीब हैं कुछ लोग मज़दूर पेशा हैं कुछ स्टूडेंट हैं कुछ लोग बिज़नेस करते हैं तो इनकी आसानी के लिए हमने जो प्लानिंग की है वो ये है कि हम सुबह इसको आठ बजे से ही स्टार्ट करेंगे और शाम को जिस टाइम तक यहाँ तक कि अगर बच्चे चाहेंगे तो आठ बजे तक भी वो यहाँ पे कंप्यूटर सीख सकते हैं नहीं सुनिए ये जो कंप्यूटर है जब तक आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तब तक आपको इस चीज का कोई फायदा नहीं है हम चाहते हैं ऑनेस्टली कि अगर यहाँ से जो कोई लड़का जिसको यहाँ से डिप्लोमा मिले जो यहाँ से डिप्लोमा करे तो वो एक प्रोडक्ट तैयार हो वो कल कहीं जाके किसी कंपनी में कहीं किसी ऑफिस में या जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें निकलते या कहीं पे जाके वो क्वालिफाई करे क्योंकि अगर हमें सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करनी है तो आज की डेट में सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं है आज की डेट में वैल्यू है टैलेंट की जिसको कुछ आता होगा तो वही आगे बढ़ेगा वरना सर्टिफिकेट जमा करने होते तो फिर तो आपको पता है कहीं से भी आ सकते हैं करना होगा, तो वो कि, किस वो हमारे यहाँ पे जो इस वक्त सेंटर पे अभी आज से ही जो है वो वसीम साहब हैं हमारे जिनसे आपने पहले बात की वो मेरे साथ भी रब्ता कर सकता है हमने पोस्टर्स लगाए हैं और हम आपको इसकी एक हम आपको इसकी एक कॉपी भी देंगे जिस पे हमारे नंबर्स हैं वो किसी भी नंबर पर रबता करके एडमिशन के लिए पूछ सकता है प्रॉस्पेक्टस हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं इसकी कीमत पचास रुपये है जी साथ अगर किसी ने सर हमारे नंबरात जो हैं वह हैं सेवन डबल ज़ीरो सिक्स फाइव डबल नाइन वन थ्री ज़ीरो नाइन सेवन नाइन सेवन थ्री टू एट नाइन डबल फाइव सेवन ज़ीरो फाइव वन जीरो डबल नाइन फोर फोर नाइन ये हमारे नंबरत हैं और जो आप जहाँ तक लोकेशन का सवाल है मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये मेन रोड जो बेकरी शॉप है उद्यानपुरा में आप ज़रा आपने कैमरा को घुमाइए और ये लोकेशन दिखाई जहाँ पे हमारा बी डी ऑफिस दाली उद्यानपुरा उसके सीधा नीचे है तो हमारी क्लासें यकुम जुलाई से शुरू होंगी तो अभी हम सिर्फ एडमिशन कर रहे हैं इसके बाद यकुम जुलाई से क्लासें शुरू होंगी और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम इसकी फार्मल इनाग्रेशन किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से भी कराएंगे